घटा, दिल्ली शराब घोटाले की फांस मनीष सिसोदिया के लिए अब भी जारी है, क्योंकि ईडी की टीम सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है। 3 दिन में दूसरी बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची है। तिहाड़ जेल में उनकी मौजूदगी है और सिसोदिया से पूछताछ के लिए के कविता को भी आज बुलाया गया था, लेकिन वो आज पेश नहीं होंगी। 11 मार्च को के कविता से पूछताछ की जाएगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। अक्षय डोंगरे और अमित भारद्वाज हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। अक्षय, सबसे पहले जरा बताइए, टीम आज फिर पहुंची है, सवाल जवाब एक बार फिर दागे जाएंगे, लेकिन यहां पर मनीष सिसोदिया के लिए चुनौती ये है कि कैसे वो साबित करें कि वो दोषी नहीं है, वो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनको उनसे कैसे बचे, उनकी अपनी रणनीति। देखिए, रणनीति की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार एक दलील यही दी जा रही है कि केंद्रीय एजेंसी जितनी भी है, चाहे वो सीबीआई हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या फिर इनकम टैक्स हो, इन सभी का इस्तेमाल अपोजिशन को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, और यही लाइन बार बार दोहराई जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा। इनफैक्ट अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने खुद एक बड़ा मोर्चा खोल लिया है केंद्र सरकार के खिलाफ, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो जो खुद इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, तिहाड़ जेल के बाहर ही मैं खड़ा हूँ और यहीं पर टीम आई है, तो तिहाड़ जेल के अंदर ही इस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची हुई है, एक बार फिर पूछताछ की जा रही है। तो अगर दर्शकों को एक बार याद दिला दे तो अरेस्ट हुए थे मनीष सिसोदिया, सीबीआई की टीम ने उन्हें अरेस्ट किया था, उसके बाद केस राउस एवेन्यू कोर्ट गया था दिल्ली में, जहां पे उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। जुडिशियल कस्टडी के दौरान ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ समय मांगा था पूछताछ करने के लिए, और वो समय की आज डेडलाइन है, आज पूछताछ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूरी होगी और ये पूछताछ की जा रही है 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स यानी कि एक तरह से रिश्वत लेने के लिए। एक्साइज पॉलिसी जो आबकारी नीति दिल्ली में लगाई गई थी, उसमें ये आरोप लगाया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तकरीबन 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी, और उसके चलते उसका मनी ट्रेल ढूंढते ढूंढते बार बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब कर रही है। और अगर उनके पास जितने भी उन्हें सबूत चाहिए अगर वो उन्हें मिल जाते हैं तो पॉसिबिलिटी यानी संभावना इस चीज की भी है कि आज मनीष सिसोदिया को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा अरेस्ट कर लिया जाए और उसके बाद दोबारा से एक बार पूछताछ शुरू की जाए, ताकि जितना भी मनी ट्रेल है यानी कि पैसों की जो लेन देन है उसका पर्चा चिट्ठा, उनके बारे में सवाल करने के लिए मनीष सिसोदिया को अरेस्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम आज। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित भारद्वाज का रुख करेंगे। अमित, ये जो दो दक्षिण से जुड़े नाम सामने आ रहे हैं, अरुण पिल्लई और के कविता, इनके तार किस तरीके से इस घोटाले से जुड़े हुए हैं? देखिए नेहा, ये पूरा जो दिल्ली का एक्साइज पॉलिसी का केस है, आबकारी नीति का केस है, शुरुआत तो दिल्ली से हुई, उसमें कई सारे अधिकारियों के नाम आए। मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 थे सीबीआई के एफआईआर में, और उसके बाद फिर जो आबकारी नीति में जिन्हें लाभ पहुंचा उन नामों का सामने आना शुरू हुआ। तो अब जो एजेंसीज का दावा है, चाहे वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, ये दोनों एजेंसियां दावा कर रही हैं कि कई सारे जो बिजनेसमैन थे या जो लिक कार्टेल्स थे, जो साउथ ग्रुप के नाम से जाने जा रहे हैं इस पूरे केस में, उसी लिंक को, उसी तार का इन्वेस्टिगेशन करते हुए सेंट्रल एजेंसीज ने अरुण पिल्लई को जीरो डाउन किया है, और इसी साउथ ग्रुप से लिंक किया जा रहा है केसीआर की बेटी और बीआरएस की लीडर के कविता को। के कविता कल रात को ही दिल्ली पहुंची थी, मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि वो क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगी और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उस पर क्या जवाब देना चाहेंगी, लेकिन जवाब नहीं आया था। हालांकि आज के कविता को बुलाया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा, वो नहीं जाएंगी, 11 तारीख को जाएंगी। तो पूरा जो लिंक है असल में साउथ ग्रुप को लेकर है। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे।